So let's see our new topic. Okay. So our new topic in the atomic structure is waves, है ना? तो अब waves की बात करते हैं. Normally आपने waves देखी होंगी या सुनी होंगी. Sound waves कहते हैं, ठीक है? और एक तालाब देखा होगा आपने. तालाब में क्या, आप जैसे पत्थर फेंकते हो, पत्थर फेंकने क्या होता है, पत्थर अंदर जाता है और बाहर आपको क्या है, वाइब्रेशंस दिखती हैं, गोले दिखते हैं जो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, वो क्या है, वेव्स हैं, है ना? तो यदि टर्म्स में बात करें तो वेव्स को हम दो वे से डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है मैकेनिकल वेव्स और सेकेंड जो है नॉन मैकेनिकल वेव्स. तो वेव्स के बारे में डिटेल में तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट हमारी क्या है, मैकेनिकल वेव. ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो मीडियम रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साउंड वेव्स हैं. साउंड होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, अपने आप तो साउंड होता नहीं है, ठीक है? और सेकेंड होती है हमारी नॉन मैकेनिकल वेव्स. ठीक है, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल लाइट. ठीक है, तो वेव्स हमारे पास दो प्रकार की हैं, मैकेनिकल वेव्स जिनको किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है जैसे कि साउंड वेव्स हो गई, नॉन मैकेनिकल वेव्स जिनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है जैसे कि लाइट. ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या है कि मैक्सवेल ने ये प्रपोज किया कि लाइट और अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी जो है दे प्रोपोगेट थ्रू एम्प्टी स्पेस इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, है ना? लाइट जो है और जो अदर फॉर्म्स है रेडिएंट एनर्जी की, ठीक है, दे प्रोपोगेट थ्रू एम्प्टी स्पेस इन द फॉर्म ऑफ अ वेव्स. ठीक है, और ये जो वेव्स होती हैं दीज हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम. ठीक है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होती हैं और इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कर कहते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, तो उसने क्या बोला, ही प्रपोज्ड that light and other forms of radiant energy propagate through empty space in the form of waves. ठीक, और क्या बोला था कि waves जो है they are associated with, they associate electric and magnetic field with themselves और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए जो है मैक्सवेल ने कुछ पॉइंट्स दिए थे. ठीक है, तो उन पॉइंट्स को देखते हैं.
फर्स्ट पॉइंट क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, दिस कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो दिस कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड that oscillate in the direction perpendicular to each other, ठीक है, and also perpendicular, ये perpendicular का sign है, ठीक है, and also perpendicular to the direction of wave, also perpendicular to the direction in which the wave is traveling. तो first point तो इसका ये हुआ, है ना, क्या हुआ कि these consist of electric and magnetic field that oscillate in the direction perpendicular to the each other and also perpendicular to the direction in which the wave is traveling. मतलब कोई wave यदि travel कर रही है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी perpendicular होगी और जो magnetic field होगी वो भी perpendicular होगी। सेकेंड इसने क्या दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसने ये बोला कि भाई जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दे ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो सेम होगी, ठीक है, और वो वेलोसिटी जो होती है दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन travel with same velocity which is equal to velocity of light. थर्ड पॉइंट जैसे पहले भी बता चुका हूं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ठीक है, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि लाइट है, लाइट रीचेस अस फ्रॉम द सन, है ना, तो उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, सन से हमारे पास डायरेक्ट आ रही है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन do not require any medium for propagation. ठीक है, तो ये जो है तीन पॉइंट्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। पहला क्या था कि दिस कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे आपको बताया नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है भाई मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो दिस कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द वेव, और उस वेव के भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, जिसमें वेव ट्रेवल करनी है, ठीक। दूसरा क्या था कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है
इनकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा सेम होगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. तीसरा क्या था, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. ठीक है, जैसे कि अब लाइट आती है, लाइट रीचेस अस फ्रॉम द सन थ्रू एम्प्टी स्पेस. तो ये जो फीचर्स थे ये थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के. है ना, वेव्स के बाद में बारे में कुछ बात करेंगे. सो अवर नेक्स्ट हेडिंग विल बी वेव मोशन. ठीक है, अब आप सभी ने देखा होगा कि पॉन्ड है, तालाब है, आपने एक पत्थर डाला. पत्थर डाला तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो गोले निकलना बाहर होते जो हमें दिखते हैं, है ना, वो पत्थर अंदर जाता है. ठीक है, तो अंदर भी इसी फॉर्म में वो गोले निकलते हैं और धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं. तो वो क्या है, बेसिकली वेव्स. ठीक है, तो मैक्सिमम वो गोला जितना बड़ा होता है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट. ठीक है, ऊपर की तरफ, और जो नीचे जो होता है वो ट्रफ कहलाता है. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्रेस्ट व्हाइल द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ट्रफ. ठीक, तो फिगर से उसको समझते हैं मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना. मान लो कि एक मेरी वेव जो है ट्रेवल कर रही यहां किसी, दिस इज हाउ अवर वेव इज ट्रेवलिंग. ठीक है, तो आपको क्या बोला कि जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो क्रेस्ट कहलाता है. ठीक है, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक का देखोगे तो दिस इज नोन एज क्रेस्ट ऑफ द वेव. ठीक है, ये मेरी वेव ट्रेवल कर रही, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ट्रफ. तो मतलब ये क्या है, मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ये हो गया ट्रफ. ठीक है, इधर भी ये हो गया ट्रफ और ऊपर वाला हो गया आपका क्रेस्ट. ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में वेव मोशन के देखते हैं. अब जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, मतलब वेव मोशन को मुझे डिफाइन करना है, वेव्स को ही डिफाइन करना है. जैसे अब एक आदमी को यदि मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, मैं बताऊंगा कि उसकी हाइट कितनी है. ठीक है, कलर कैसा है, फेयर है कि डार्क है. ठीक है, हेल्थ कैसा है. ठीक है, तो उसी प्रकार से जब वेव को आप डिफाइन करेंगे तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी. ठीक है, एम्पलीट्यूड. तो ये सब जो है एक वेव को डिफाइन करते हैं. ठीक, तो फर्स्ट हमारा क्या है, वेवलेंथ. वेवलेंथ को जो है आप लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं. ठीक, तो डिस्टेंस जो होती है बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ इज वेवलेंथ. या तो दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच की डिस्टेंस आप ले लीजिए यहां से यहां तक की. ठीक है, या फिर दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए, दैट विल बी गिव यू वेवलेंथ. है ना, तो वेवलेंथ देख लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड या डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ इज वेवलेंथ. नॉर्मली जो वेवलेंथ की यूनिट होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है. ठीक है, और रिलेशन जो होता है वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10^-10 मीटर. ठीक है, और वन मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर. तो कितना हो जाएगा, 10^-8 सेंटीमीटर. ठीक है,
सेकेंड बात आई आपकी फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी को आप म्यू से डिनोट करते हो, इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है, एन यू दैट इज न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन वन सेकेंड, ठीक है, एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स वन सेकेंड में पास हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स, साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज। रेडियो पे आपने सुना होगा इतनी फ्रीक्वेंसी इतने मेगा हर्ट्ज पे ये चैनल इतने टाइम पे ये प्रोग्राम आने वाला है ना, तो यूनिट्स क्या हो गई इसकी, ये डेफिनेशन लिखना चाहें तो नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन वन सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को आप कई बार ऐसे भी लिखते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिट क्या है, यूनिट इसकी होती है सेकेंड इनवर्स साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, और हर्ट्ज। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आया हमारा क्या, नेक्स्ट जो फीचर है वेव का क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। थर्ड इज वेलोसिटी, इसको हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन सेकेंड इज वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ टर्फ, ठीक है। या तो क्रेस्ट की हाइट जो होती है वो आपका एम्पलीट्यूड है, या जो टर्फ का जो डेप्थ है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। जैसे रिप्रेजेंट करके देखें, यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां से हाइट ऑफ क्रेस्ट हुई, ठीक है, और ये क्या हुआ आपका डेप्थ ऑफ ट्रफ हुआ। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड को हम, ठीक है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड है, इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है। इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है। इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट, क्रेस्ट की हाइट ले लीजिए या डेप्थ ऑफ ट्रफ ले लीजिए, तो ये आपको क्या बताता है, एम्पलीट्यूड। और दूसरा क्या है, इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी जो है हमारे फर्दर टॉपिक में आएगा,
इस टाइम हम देखेंगे, ठीक है। तो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है। तो इसके बीच रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बताया था, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, ठीक है। या आप लिख सकते हो सी इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, दैट इंप्लाइज सी इज इक्वल्स टू म्यू इनटू लैम्डा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दे ऑल विल हैव अ सेम वेलोसिटी, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी जो वेवलेंथ होगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। इनकी वेलोसिटी जरूर सेम होगी लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। तो इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक अरेंजमेंट में सेट किया गया है, और इस तरह से सेट किया है कि जो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज हो रही है। तो वो जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। द अरेंजमेंट of different type electromagnetic radiation in the order of increasing वेवलेंथ या ब्रैकेट में लिख दें और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इनको किस तरह से अरेंज किया है वो देखते हैं, ठीक है।
ठीक, यहाँ पे हमारी गामा रेज, ये एक्स रेज, ठीक, ये अल्ट्रावायलेट रेज, ये विजिबल रीजन या विजिबल रेज, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड रेज, नेक्स्ट इज माइक्रोवेव एंड लास्ट इज रेडियो, ठीक है। अब इनकी यदि हम वेवलेंथ, क्या बताया था कि इनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज किया, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे होती है 10^-16, ठीक है। इधर वेवलेंथ कितनी होती है, 10^8, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यदि लिखें, फ्रीक्वेंसी क्या है, 10^24, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है ना। और यहाँ पे कितनी है, 10^0, ठीक है। यूनिट इधर क्या है, सेकंड इनवर्स है, इधर क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। डिफरेंट रेज आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब विजिबल रीजन में जो है रेज आती है कुछ, है ना, तो वो विजिबल रीजन हम सेपरेटली लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, विबगेयर, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, नेक्स्ट इज रेड, ठीक है। विजिबल रीजन में क्या है, विबगेयर आता है, वायलेट कलर, ठीक, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये जो रेज आती है ये विजिबल रेज में, विजिबल रीजन में आती है, ठीक है। और इनका भी ऑर्डर वही है, वेवलेंथ जो है इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, है ना। तो वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी, जबकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो वेवलेंथ वायलेट की कितनी होती है, 3800 आर्मस्ट्रांग। यहाँ पे रेड की वेवलेंथ कितनी होगी, 7600 आर्मस्ट्रांग, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हो गई। नेक्स्ट जो हमारा है वो टॉपिक क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या है, इट इज आइडियल एब्जॉर्बर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज अ हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। इट इज अ हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन falling on it, ठीक है।
ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी सोली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। That is independent shape, size, etc. ठीक है, so these were the all points regarding black body. ठीक, फिर next आता है electromagnetic radiation और energy से related कुछ बातें करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एनर्जी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये सब क्या है, एनर्जी के फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किस चीज पे बिलीव करती थी, वो इस पे बिलीव करती थी, इट बिलीव्ड इन द कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी, है ना। वो ये बोलती थी कि भाई एनर्जी जो है कंटिन्यूअसली जनरेट होती, रेडिएशंस जो है कंटिन्यूअसली जनरेट हो रही है ना। तो वो जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इट वॉज एक्सप्लेनिंग द फिनोमेना ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्वाइट सक्सेसफुली, है ना। लाइट के प्रोपोगेशन के फिनोमेना को तो उसने बहुत सक्सेसफुली बनाया बताया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और अदर फिनोमेना के बारे में ये थ्योरी फेल हो रही थी, ठीक है। तो 20th century में एक साइंटिस्ट आया मैक्स प्लैंक, उन्होंने क्या बोला, अपनी थ्योरी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है। उनका ये कहना था कि भाई लाइट जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये कंटिन्यूअसली जनरेट नहीं होती, है ना, इट इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एंड इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको वो क्वांटा बोलते थे, और हर क्वांटा जो था इज एसोसिएटेड विद सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एनर्जी के लिए बात करें तो क्या है कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी बिलीव्ड इन कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। एक्सप्लेन द फिनोमिना of propagation of light successfully
but fail to explain photoelectric effect and some other phenomena. ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि मैक्स प्लैंक आए थे, आपको बता दिया मैक्स प्लैंक ने क्या अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी दी उसको उन्होंने बोला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी थी वो कहलाती थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए है ना, उन्होंने क्या बोला कि जो रेडिएंट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी इज नॉट emitted or absorbed continuously, but it is discontinuous. In the form of small packets of energy called quanta. ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि ईच क्वांटा इज एसोसिएटेड विद सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर क्वांटा में जो है कुछ डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी रहेगी। ठीक है, इज एसोसिएटेड विद सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में उन्होंने बोला कि एनर्जी जो क्वांटा के साथ एसोसिएट होगी उसे हम फोटॉन बोलेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी एसोसिएट विथ क्वांटा इज नोन एज फोटॉन।
ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था मैक्स का। उन्होंने बोला कि भाई जो इमेज ईएमआर जो है, रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब और इमिट नहीं होती है, ये डिसकंटिन्यूस होती है, ठीक है। तो उनका नेक्स्ट पॉइंट क्या था, उनका नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट उनका क्या था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है ना। तो E इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको यदि हटाएं तो आप क्या लिखोगे, E इज इक्वल्स टू एच म्यू, जहां पे H जो है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये उनका पॉइंट था, ठीक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने प्लैंक्स ने दिया कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है ना बॉडी के द्वारा, ठीक है, तो दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू, ठीक है। तो वह क्या बोला कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय बॉडी विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू, तो ई इज इक्वल्स टू एन एच म्यू, जहां पे n क्या है आपका, दिस इज n, है ना, वेयर n इज एन इंटीजर हैविंग वैल्यूज वन टू थ्री, इंटीजर जैसी वैल्यूज होंगी, है ना। तो नेक्स्ट ये पॉइंट, इसका मतलब ये था कि एक जो बॉडी है, इट कैन इमिट द एनर्जी और इट कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू, है ना, नॉट इन द फ्रैक्शनल वे। मतलब यदि बॉडी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही या इमिट कर रही, तो उसकी वैल्यू एच म्यू, टू एच म्यू, थ्री एच म्यू, ठीक है, एंड सो ऑन, ये करेक्ट है ना। लेकिन इट विल नॉट इमिट और एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना। जैसे आपने लिखा कि भाई 1.6 एच म्यू, 3.2 एच म्यू, है ना, सो ऑन, तो दिस इज अ रॉन्ग, ठीक है। इट कैन इमिट और एब्जॉर्ब द एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू। तो दीज वेर द पॉइंट्स फॉर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट थ्योरी, ठीक है। अब ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, E इज इक्वल्स टू एच म्यू जो हमने पढ़ा है, जो हमारा रिलेशन था E इज इक्वल्स टू एच म्यू, है ना, और हमने एक रिलेशन पढ़ा है म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एच इंटू सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो इससे क्या आया कि ये हमको क्या शो करता है, इट शोज दैट हायर द फ्रीक्वेंसी
द मोर एनर्जेटिक विल बी करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन, है ना। ये बोल रहा है यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है तो मोर एनर्जेटिक विल बी कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन, मतलब फोटोन में एनर्जी ज्यादा है, है ना। और यदि हायर द वेवलेंथ देयर विल बी लेस एनर्जी इन अ कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन, ठीक है। तो इस वे में यदि बात करूं, जैसे अपन विजिबल रीजन में वायलेट था, विबगेयर था, ठीक है, तो ये रेंज हमारी वायलेट से लेकर रेड तक जा रही थी। वेवलेंथ किसकी ज्यादा थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में था वेवलेंथ के, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा थी, मतलब रेड कलर के फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा थी, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। वायलेट कलर की यदि बात करूं तो वायलेट कलर के फोटोन की वेवलेंथ कम थी, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो कुछ पॉइंट दिए थे इन्होंने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस the peak wavelength emitted by black body decreases, ठीक है। यहां पे यदि ग्राफ बनाए एनर्जी और वेवलेंथ का, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर हैं 2000 केल्विन, नेक्स्ट क्या है 1750 केल्विन, यहाँ पे है 1500 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीक वेवलेंथ है वो इनकी यहाँ पे हो गई सेंट्रल पे पॉइंट, ठीक है। तो ये वेवलेंथ का ग्राफ है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट मेरा क्या है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द पीक वेवलेंथ इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी डिक्रीजेस, पीक वेवलेंथ जो ब्लैक बॉडी ने इमिट करी वो डिक्रीज होगी। टेम्परेचर ज्यादा है तो पीक वेवलेंथ कम है, है ना। वेवलेंथ इस साइड में ऐसे इंक्रीज हो रही लेफ्ट टू राइट, तो हायर टेम्परेचर पे लोअर वेवलेंथ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था, as the temperature increases ठीक है, the total energy emitted
emitted, the total energy emitted increases because the total area under curve increases. ठीक है, अब ये जो कर्व हमने बनाया है, ठीक है, इट गेट्स इन्फिनाइटली क्लोज टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास तक जाता है लेकिन इट नेवर टचेस इट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरी मोमेंटम, ठीक है, जैसे हमने रिलेशन पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, है ना, और एम इंटू वी क्या होता है मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, तो इसको हमने जो एक रिलेशन पढ़ा था एनर्जी का उसमें पुट करते हैं इस वैल्यू को, ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा आपने पढ़ा था, लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी एच अपॉन पी, यहाँ पे रख दीजिए E इज इक्वल्स टू एच सी एच अपॉन पी, तो E इज इक्वल्स टू क्या आ गया सी सी। ठीक है, P इज योर मोमेंटम, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड E इज द एनर्जी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं भाई, जब इतना सब पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए, एनर्जी ऑफ एनी क्वांटा energy of any quanta is 2 eV। ठीक है, किसी क्वांटा की जो एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स लैम्डा इन नैनोमीटर। व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ठीक है, अब आपने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, C की वैल्यू मालूम है आपको 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, H की वैल्यू आपको बताई थी अभी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आप लिखोगे जो भी है। ठीक है, तो जब आप एनर्जी निकालते हो तो वो वैल्यू जो आती है आपकी जूल में आती है ना, लेकिन इन सबको पुट करके एक फॉर्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिससे आप वेवलेंथ डायरेक्ट आप नैनोमीटर में कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो एक फॉर्मूला क्या है E इज इक्वल्स टू 12240 अपॉन लैम्डा, और इधर जो आपका लैम्डा होता है वो किसमें होता है नैनोमीटर में। ठीक है, और यहां जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो इतना सब कैलकुलेशन हमारा पूरा सेव हो गया यदि हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करें। इसको हम ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1242, लेकिन हम जो है नॉर्मल जो कैलकुलेशन करते हैं वो 1240 यूज करके करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1240।
एनर्जी की वैल्यू हमको दी है, एनर्जी ऑफ एनी क्वांटा इज 2 eV, तो आपने क्या लिखा 2 इज इक्वल्स टू 1240 अपॉन लैम्डा। लैम्डा आपका नैनोमीटर में ही आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इम्प्लाई वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 620 नैनोमीटर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हमने आज इतनी सारी चीजें पढ़ी, वेव्स का आइडिया लिया, प्लैंक्स थ्योरी पढ़ी, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करी। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी बोर मॉडल ऑफ एन एटम।